डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या, क्या है इसके लक्षण, कैसे बचा जा सकता है प्री डायबिटीज से, ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर रविंद्र कुमार, MBBS ऑनर्स, MD फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, फ्रैंको मेडिकेयर, SK नगर, पटना। डॉक्टर शाहीबाल गोवा, MD कंसल्टेंट फिजिशियन डायरेक्टर, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, बोरिंग कनाल रोड, पटना। डॉक्टर सुधीर चंद्र झा, MBBS, MD मेडिसिन, DNB मेडिसिन कंसल्टेंट, फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, पटना। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर रविंद्र से है, भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इसके होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं होती। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह क्यों बात नहीं होती? आपने सही कहा, इनफैक्ट हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है, लेकिन यह जो 31 मिलियन की का नंबर है, यह उसे मैं टिप ऑफ द आइसबर्ग कहूँगा। जैसे किसी पानी में तैरते हुए बर्फ का ऊपर दिखने वाला छोटा हिस्सा ही यह डायबिटीज का के मरीजों की संख्या है, जैसे जो 3.1 मिलियन हैं जितने वो, लेकिन काफ़ी बड़ा हिस्सा जिसे हिडन पार्ट ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं वो प्री डायबिटीज पर्संस का है। ये जैसा कि नाम से पता चलता है, प्री डायबिटीज वह स्टेज है जो डायबिटीज के पहले होता है, और ये उन व्यक्तियों को इस समूह में रखा जाता है जिनका ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है, और 126 के नीचे यानी 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच के फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स वाले लोगों को प्री डायबिटीज के ग्रुप में रखा जाता है। और ये भी बात सही है कि डायबिटीज और उसके हाई रिस्क के बारे में काफ़ी अवेयरनेस है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है, लेकिन प्री डायबिटीज पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये यह वह ग्रुप है जिसमें यदि हम लोग उनके लाइफस्टाइल और उनके डाइट में सुधार करें तो डायबिटीज के डेवलपमेंट की संभावना बहुत कम रह जाती है। बिकॉज अगर उनमें उनमें पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है तो अब देखा जाता है कि अगले 5 से 10 वर्षों में उनमें डायबिटीज डेवलप कर जाता है और वो पूरी तरह से डायबिटिक पेशेंट्स हो जाते हैं। इसलिए प्री डायबिटीज में के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शाहीबाल से है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं और कौन से कल्चरल या लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जो इसमें योगदान करते हैं? राइट, देखिए तो प्री डायबिटीज एक अनसंग स्टोरी है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि कितना घातक है और लोग केवल डायबिटीज लेके परेशान रहते हैं, लेकिन डायबिटीज और एक नॉर्मल इंसान के बीच वाले स्थिति को हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं। और अगर देखी जाए समाज में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, इंडिया के अगर डेटा देखे जाए तो मोटा मोटी 10 से 12% हमारी जनसंख्या जो है पूरे देश का वो प्री डायबिटिक ग्रुप में आता है। प्री डायबिटीज को मूलतः हम लोग दो किस्म में बांट सकते हैं, एक इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज जिनका कि शुगर, फास्टिंग वाला शुगर ज्यादा रहता है, खाने के बाद वाला करीब नॉर्मल रहता है, और ज्यादा रहता है मतलब डायबिटीज रेंज से कम रहता है यानी 100 से 125 तक रहता है। और दूसरा है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस जिसमें कि खाने के बाद वाला शुगर ज्यादा रहता है एक नॉर्मल इंसान से, लेकिन डायबिटीज के तुलना में वो कम रहता है यानी कि वो 140 से 200 तक रहता है खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो ये दो ग्रुप में हम लोग मूलतः प्री डायबिटीज को बांटते हैं और इसका प्रिवेलेंस करीब संख्या जैसे हमने बताया 10 से 12% है। और इसका महत्व यही है कि प्री डायबिटीज वाले मरीज को डायबिटीज होने का संभावना जो है एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है, इसीलिए
हमें जरूरत है प्री डायबिटीज के पेशेंट्स को समाज में खोज निकालना और उसी स्टेज में उनको इलाज करना और उपचार करना, उनको सहायता देना ताकि वो डायबिटिक ना बन जाए। ये मेन महत्व है प्री डायबिटीज के बारे में जागरूकता की। डॉक्टर सुधीर, अक्सर प्री डायबिटीज के लक्षण नोटिस नहीं होते, क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका सामना प्री डायबिटीज के लक्षणों को पहचानने में करना पड़ता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लक्षण बहुत कम प्री डायबिटीज के केस में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है प्री डायबिटीज का अवेयरनेस होना। ये अवेयरनेस कि एक बीमारी साइलेंटली बढ़ रही है एक भीषण बीमारी के रूप में और उसके ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हाँ, कुछ केस में प्री डायबिटीज में लक्षण भी प्रकट होते हैं, जैसे कि अनड्यू फटीग, थक जाना, कुछ कुछ काम पर थक जाना, आँख की रोशनी में एकाएक गिरावट आ जाना, एक्सेसिव थर्स्ट होना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, सडन लॉस ऑफ वेट होना, और ख़ास करके यदि 35-40 के उम्र के ऊपर के लोग हैं, मोटापा है, वजन अधिक है या परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, तो उन्हें इस बात की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि प्री डायबिटीज़ और इनफैक्ट डायबिटीज़ भी बिना किसी लक्षण के हो सकता है एंड वी शुड गेट स्क्रीन। उनको जो है सो हमेशा चेक करके देखना चाहिए कि कहीं प्री डायबिटीज तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर रविंद्र, आप बताएं प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच क्या मेन डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, मेन डिफरेंस तो ब्लड शुगर लेवल्स का ही है। जैसा कि शैवाल ने बताया, पहले हम लोग प्राइमरली हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर देखते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर हम लोग जानते हैं किसी भी सामान्य व्यक्ति का 100 से कम हुआ करता है, और जब किसी व्यक्ति का फास्टिंग ब्लड शुगर हम लोग पाते हैं कि 100 से 125 के बीच में है, और साथ ही साथ खाने के बाद का शुगर जिसके लिए ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है 75 ग्राम ग्लूकोज पिला करके किसी मरीज का दो घंटे के बाद हम लोग ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो वो यदि ये 200 के नीचे रहता है, 200 के ऊपर होने पर तो उसे डायबिटिक बोलेंगे, 200 के नीचे रहता है, 140 से 200 तक अगर चला आता है तो वैसे मरीजों को भी हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं। तो मेन डिफरेंस तो ब्लड शुगर लेवल्स का ही है, और सिम्टम्स तो डायबिटीज़ में भी बहुत से वेग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स जैसे कि बार बार पेशाब होना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, आँखों से थोड़ा धुंधला दिखना, सबसे जो वेग और ऑलमोस्ट सब में वो पाया जाता है, बहुत जल्दी थकान होना, सुस्ती होना, ये सब सिम्टम्स हैं जिनमें काफ़ी ओवरलैपिंग होती है। तो सिम्टम्स से ज़्यादा हम लोग ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, ऐसे लोगों में को हम लोग देखते हैं जो हाई रिस्क जिनको बोलते हैं, जो लोग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जिनमें होते हैं, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है वैसे मरीज, 35 से 40 साल से ऊपर वाले लोग जिन जो ओवरवेट हैं, ओबेसिटी है जिनमें, वैसे मरीजों को, इन लोगों में अगर इन लोगों की रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ऐसी महिलाएं जिनमें जेस्टेशनल डायबिटीज यानी गर्भावस्था में डायबिटीज की शिकायत हुई हो, ऐसी महिलाओं का भी रेगुलर स्क्रीनिंग हो, तो ऐसे मरीजों को हम लोग प्री डायबिटीज स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर शाइवाल से है, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिस क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट्स में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? नेचुरली कल्चरल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है प्री डायबिटीज के बढ़ने के लिए। जैसे कल्चरल फैक्टर्स अगर देखें तो भारत में विविधता में एकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट टू वेस्ट सारे जगहों का खाना सब चीज कल्चर अलग है, लेकिन उसमें विविधता में एकता ही है कि हर जगह मिठाई पे बहुत जोर रहता है। एक तरफ एक्सरसाइज कम हो गई है, दूसरी तरफ हमारी डाइटरी जो है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गई है, लो कार्बोहाइड्रेट माने हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट लो फाइबर डाइट आ गए हैं, माने रोटी चावल से हम लोग पिज्ज़ा बर्गर पे आ गए हैं, तो दोनों चीज़ में गिरावट आई है, खाना भी गड़बड़ हो गया है, लाइफ स्टाइल में मूवमेंट भी कम हो गई है, इसके चलते ओबेसिटी लाइफ स्टाइल डिजीजेज प्री डायबिटीज सारी चीज़ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर स्क्रीनिंग की बात आप
किया जाए। तो स्क्रीनिंग का पहला चीज़ हम बताएंगे प्री डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस। तो जब मन में अवेयरनेस रहेगा किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ केयर वर्कर को कि प्री डायबिटीज़ भी हमें देखना है, तो वो जरूर प्री डायबिटीज़ को समाज में ढूंढ निकालेंगे। और स्क्रीनिंग हम लोग टारगेटेड पॉपुलेशन देखा जाता है, वैसे लोगों का जिनका फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हो, 35 साल के ऊपर के युवक या युवती हो, या जिनको ओबिसिटी हो, बॉडी वेट ज़्यादा हो, बीएमआई बढ़ा हुआ हो, या जिनमें रिस्क फैक्टर्स हो और 19-20 साल के एज के ऊपर हो, वो भी हाई रिस्क फैक्टर्स में वाले हो, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो भी हैं, डायरेक्ट रिलेटिव्स ऑफ हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के, उनमें देखा जाता है, या जिनको ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज़ है, या और कोई वैसा बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड 200-250 के ऊपर है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी, ऐसे पेशेंट्स टारगेट ग्रुप हैं जिनमें प्री डायबिटीज होने की संभावना दूसरों लोगों से ज्यादा है। डॉक्टर सुधीर, प्री डायबिटिक पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो? अमूमन देखा गया है कि प्री डायबिटीज के केस में 5-10% तो सनाला डायबिटिक हो जाते हैं, और इसके स्टडीज वगैरह भी है, एक जैसे कि फिनलैंड में फिनिश डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी हुआ था, यूएसए में जो भी एक डायबिटीज प्रिवेंशन स्टडी हुआ था। फिनिश स्टडी ने पाया कि अगर इंटेंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाइट एंड एक्सरसाइज किया जाए तो 60% लोगों को रिलेटिवली कम डायबिटीज होता है। और उसी तरह से यूएसए में जो स्टडी हुआ उसमें देखा गया कि 10 साल के अंत तक जो है सो 1/3 लोग जो है सो उसमें लोगों को फायदा होता है, उसमें 1/3 से भी अधिक लोगों को फायदा होता है, 2/3 लोगों को फायदा होता है, और वो लोग डायबिटिक नहीं हो पाते हैं अगर इंटेंस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जाए। अब प्रश्न है कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है क्या? पहला चीज़ है, जैसे डॉक्टर सहवाल गुहा ने बहुत अच्छे से कहा, हम लोगों का देश जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंट्री है, वो 50-55% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं अपने मरीज को साधारण रूप से मैं ये कहूँगा और जो भी श्रोता है उन सबको मैं कहूँगा कि आप अपने प्लेट को 4 भाग में बांटें। जो 50% भाग है उसमें हरी सब्जी, सलाद और कम मीठे फल को यूज़ करें। 25% जो 1/4 आपकी थाली है उसमें रोटी या भात होनी चाहिए, और बाकी जो 1/4 बचा उसको प्रोटीन के लिए रिजर्व रखना है। जैसे कि नॉन वेज खाते हैं तो उसमें जो है मुर्गा मछली खा सकते हैं, मटन नहीं खा सकते, रेड मीट इज़ ए बिग नो नो, और यदि अंडा खाना है तो अंडा का उजला खा सकते हैं, एक आध बार जो है उसका पीला भी खा सकते हैं, लेकिन उसको अमूमन अवॉइड करना है। और जो दाल और दाल जाति से जो बने हुए चीज़ हैं उसको भी इसी 1/4 में रखना है, और दूध से बने हुए सामान को भी यूज़ कर सकते हैं बट विद इन दिस लिमिटेशन ऑफ 1/4, जो 1/4 है आपकी थाली का उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्लेट याद रखना है, ये साधारण जनता के लिए याद रखने में बहुत ये होगा, आधा प्लेट हरी सब्जी सलाद, 1/4 अनाज और 1/4 दाल दूध और नॉन वेज का, जिस तरह से हमने बताया है। और कैलोरी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कभी कभी न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर की सलाह उनको लेने पड़ सकती है। यदि एवरेज टाइप के आदमी हैं तो 1600-1800 कैलोरी में काम चल जाएगा, लेकिन अगर कोई मोटा है तो उसको 1200-1400 कैलोरी के आसपास जो है एक माने सहायता, एक न्यूट्रिशनिस्ट की सहायता लेकर के, डॉक्टर की सहायता लेकर के उसको प्लान करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है एक्सरसाइज। हम लोगों का जो देश है वो शायद वर्ल्ड का लेजिएस्ट कंट्री में से एक होगा। लोग जो है 5,000 रुपये का दवा जो है 5 मिनट में खरीद लेंगे, लेकिन 5 किलोमीटर टहलना पसंद नहीं करेंगे। अभी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है कि सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे कि दंड बैठक हुआ या वजन उठाना हुआ, मेजर ग्रुप ऑफ मसल्स का कम से कम जो है हफ्ता में 3 बार होना चाहिए। अगर हम लोग इसको फॉलो करें तो जो डॉक्टर रविंदर ने कहा कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उस टैग से, उस बुरे टैग से हम लोग निकल सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र, जब कोई प्री डायबिटीज से डायग्नोस हुआ हो तो उसे कितनी बार फॉलोअप या टेस्ट की जरूरत होती है ताकि उसे पता रहे कि उसकी कंडीशन में कितना सुधार हुआ है? नॉर्मल प्रोटोकॉल 1 साल में 1 बार का है प्री डायबिटिक्स में खास करके, और हाई रिस्क पेशेंट में कभी कभी हम लोग 6 महीने पे भी पेशेंट का के लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन के बाद उसमें सुधार हुआ या नहीं, क्योंकि
ब्लड शुगर लेवल्स के अलावा एक और चीज होती है, वो है HbA1c, जिसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसके लेवल को भी, उसके रेंज को भी हम लोग टेस्ट करते हैं, जो प्री डायबिटिक्स में 5.7 टू 6.4 तक होता है। तो यदि वह इससे कम हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस और डाइट में हम लोग पेशेंट के को सुधार को हम लोगों ने सजेस्ट किया है, उसको अगर स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहा है तो उसमें उसके प्री डायबिटिक स्टेटस में सुधार हो रहा है। तो ऐसे मरीजों को के डायबिटिक पेशेंट्स में कन्वर्ट होने की संभावना कम हो जाती है। तो साल में एक बार तो होना ही चाहिए, और ऐसी माताएं जिनको गर्भावस्था में जेस्ट्रेशनल डायबिटीज या ये होता है, तो वैसे महिलाओं का भी साल में या दो साल में एक बार ब्लड शुगर के दोनों लेवल्स और HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट होना चाहिए। कुछ मरीजों में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा एक दवा होती है जिसे हम लोग खास करके 60 से ऊपर वाले मरीजों में हम लोग विटामिन बोलते हैं, उसे भी सजेस्ट किया जाता है। और इसको देने के बाद कितने ही अंतराल पे हम लोग ये टेस्ट करवा करके फॉलोअप में पेशेंट को देखते हैं कि उनके HbA1c में क्या सुधार हो रहा है, उनके ब्लड शुगर लेवल में क्या सुधार हो रहा है, और इससे प्री डायबिटीज वाले पेशेंट्स को मैनेज करने में आसानी हो। डॉक्टर शाहीवाल, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है प्री डायबिटीज के केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ तो क्या चीज इस ट्रेंड के बढ़ने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? जी हाँ, अभी समाज में ये देखा जा रहा है प्री डायबिटीज और डायबिटीज दोनों ही का संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है, और ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। और शायद इसका प्रमुख कारण हमारी बदलती जीवन शैली है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि, और जैसा कि डॉक्टर सुजीत झा सर ने भी बताया कि हमें एक्सरसाइज एक तरह खाने में हमारे डाइट में वसा और मीठा चीज़ों का मात्रा बढ़ते जा रहा है, फाइबर्स का मात्रा कमते जा रहा है, वेस्टर्न डाइट का इन्फ्लुएंस आने लगा है। ट्रेडिशनली हम लोग मीठा ज़्यादा खाते थे तो वो भी चल रहा है। एट द सेम टाइम हमें एक्सरसाइज करने की आदत हमारी छूट गई है। हमसे हर पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सरसाइज का लेवल अगर देखें, हमारे तीन पुरुष पहले जितना एक्सरसाइज करते थे, हमारे पिछले पुरुष उससे कम किए, हम उससे भी कम करने लगे हैं, तो एक्सरसाइज कमते जा रहा है। तो लाइफस्टाइल में बहुत बड़ी चेंज आ गई है जीवन शैली, साथ में तनाव का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। स्ट्रेस बहुत, अभी हर विभाग में हर स्ट्रीम में स्ट्रेस का मात्रा बहुत बढ़ गया, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए हमें बच्चों को प्राणायाम मेडिटेशन का भी एक्सरसाइज के साथ साथ स्कूल लेवल से ही सिखाना चाहिए। तो डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं जो हमें अभी छोटे उम्र से ही शुरू करनी चाहिए, ताकि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है प्री डायबिटीज डायबिटीज के बढ़ने का, जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, इसको हम आगे चल के रोक सके। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सुधीर से है, डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव, देहात और रिमोट एरियाज में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इन द सेंस कि मरीज जो पेरिफेरल एरिया में रहते हैं, वहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उस पर उनका हो सकता है कि विश्वास उतना अधिक नहीं हो, और दूर शहर में बैठे हुए अपने डॉक्टर पर बहुत ज़्यादा हो। टेलीमेडिसिन से आप जो है सो व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के समय में बहुत किया है, कोरोना ने हमें ये चीज़ सिखाया है। दूसरी बात है कि बहुत तरह के टेक्नोलॉजिकल जो मोबाइल में डिवाइसेज आ गए हैं, जिसमें कि ब्लड शुगर जो है पेशेंट नोट करके रख सकता है और बाद में अपने डॉक्टर को दिखा सकता है। इनफैक्ट यदि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो डॉक्टर के लैपटॉप से भी कनेक्टेड हो सकता है, और डॉक्टर उसको अपने मोबाइल पर उनके पूरे चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे केस में डायबिटीज़ में ग्लूकोज का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, शुगर का, उसको हम लोग ग्लाइसिमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं। हो सकता है कि सुबह में शुगर बहुत कम हो, दोपहर में बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर शाम में कम हो जाए, और रात में सोते समय बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आता है।
तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस है जो कि मरीज में एक तो चिप लगा दिया जाता है, उससे जो है सो उसके पूरे ग्लूकोज का सिस्टम जो है सो सामने आ जाता है, एंड थ्रू कंप्यूटर मींस एंड टेक्नोलॉजी उसको जो है हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसके फिजिशियन से, जिससे कि उसका कंट्रोल और ये सब बहुत ज़्यादा हो सकता है। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।